नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज हम सभी जानते हैं कि फेस्टुला रोग कैसे खतरनाक होता है, इसकी पहचान क्या है और क्यों ये जानलेवा रोग है, खास करके महिलाओं के लिए। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो फेस्टुला नामक बीमारी की शिकार होती हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में पता ही नहीं होता है कि वो इस रोग की शिकार हैं। गांव बस्ती में रहने वाली कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके शरीर में साफ रूप से फेस्टुला के लक्षण दिखते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वे कुछ नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको फेस्टुला नामक बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये क्यों महिलाओं के लिए हानिकारक होती है। जी हाँ, भगंदर यानी कि एनल फेस्टुला नामक रोग में गुदा द्वार के आसपास एक छेद बन जाता है। इस छेद से पस निकलता है और रोगी काफी तेज दर्द महसूस करता है। समुचित इलाज न होने पर बार बार पस पड़ने से फेस्टुला एक जटिल स्वास्थ्य समस्या बन जाता है, जो कालांतर में यानी कि लंबे समय बाद फोड़ा बन जाता है। फेस्टुला रूपी यह समस्या कालांतर में कैंसर और आंतों की टीबी का भी कारण बन सकती है। बहरहाल आधुनिक वीडियो असिस्टेंट एनल फेस्टुला ट्रीटमेंट के प्रचलन में आने के कारण फेस्टुला का इलाज पीड़ित व्यक्तियों के लिए कहीं ज़्यादा राहतकारी हो गया है, पर हाँ ये कुछ कॉस्टली पड़ता है। क्या है इसके लक्षण? रोगी की गुदा में तेज दर्द होता है जो बैठने पर बढ़ जाता है। गुदा के आसपास खुजली हो सकती है, इसके अलावा सूजन होती है, त्वचा लाल हो जाती है और यह फट सकती है। वहां से मवाद या खून रिसता रहता है, रोगी को कब्ज रहता है और मल त्यागने में उसको बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। अफ्रीका और एशिया में हैं ज़्यादा मरीज इस बीमारी के। यह बीमारी गंदगी या सही से ध्यान न रख पाने के बाद होती है। इसे एक अभियान के तहत यूरोप और अमेरिका में जड़ से समाप्त कर दिया गया है और अब वहाँ इसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। वर्तमान में करीब 20 लाख महिलाएं दुनिया भर में इससे पीड़ित हैं। इनकी तादाद अफ्रीका और एशिया में आधुनिक देखभाल और इलाज उपलब्ध न होने के कारण सबसे अधिक हैं। फेस्टुला की जांच के लिए डिजिटल एन टेस्ट गुदा परीक्षण किया जाता है, लेकिन कई रोगियों को इसके अलावा अन्य परीक्षणों की जरूरत पड़ सकती है, जैसे फेस्टुला ग्राम, फेस्टुला के मार्ग को देखने के लिए MRI जाँच करानी पड़ती है। फेस्टुला का सही उपचार क्या है? सर्जरी इस रोग के उपचार का एकमात्र उपाय है। परंपरागत सर्जरी, फेस्टुला की परंपरागत सर्जरी को फेस्टुलेक्टमी कहा जाता है। सर्जन इस सर्जरी के जरिए भीतरी मार्ग से लेकर के बाहरी मार्ग तक की संपूर्ण फेस्टुला को निकाल देते हैं। इस सर्जरी में आमतौर पर टांके नहीं लगाए जाते हैं और जख्म को धीरे धीरे और प्राकृतिक तरीके से भरने दिया जाता है। इस उपचार विधि में दर्द होता है और उपचार के असफल होने की संभावना रहती है। कई बार अंदर के मार्ग और बगल के टांके आमतौर पर हट जाते हैं, जिससे दोबारा फेस्टुला हो सकता है। परंपरागत उपचार विधि में मल त्याग में दिक्कत होती है। फेस्टुला की सर्जरी होने वाले जख्म को भरने में 6 सप्ताह से लेकर के 3 महीने तक का समय लग जाता है और ये बहुत कष्टकारक होता है। नवीनतम उपचार जो कि वीडियो असिस्टेंट एनल फेस्टुला ट्रीटमेंट है, सुरक्षित और दर्द रहित उपचार है। यह डे केयर सर्जरी है, यानी रोगी सुबह अस्पताल आता है और उसी दिन शाम को चला जाता है। यही नहीं, ये सर्जरी फिस्टुला को दोबारा होने से रोकता है। इस सर्जरी में माइक्रो इंडोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पूरे फिस्टुला के मार्ग में ले जाया जा सकता है और इस दौरान फिस्टुला को देखा जा सकता है। इस स्थिति में सर्जन को विशेष विद्युतीय करंट के जरिए फिस्टुला को नष्ट करने में मदद मिलती है। सर्जन फिस्टुला के मार्ग को ठीक तरीके से बंद करने के लिए एक विशिष्ट फाइब्रिन ग्लू का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कोई जख्म नहीं रहता है और इसीलिए अधिक दिनों तक ड्रेसिंग की जरूरत नहीं होती है। इस विधि से मल मूत्र को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचती है। इस कारण से मल मूत्र त्यागने की प्रक्रिया सामान्य बनी रहती है, लेकिन पारंपरिक ओपन सर्जरी में मांसपेशियों को नुकसान पहुंचने का खतरा बरकरार रहता है और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आधुनिक सर्जरी इसके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है। अगर आपके पास उपलब्धता है और आपके पास उतने पैसे हैं तो आधुनिक सर्जरी कराना ही सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा आपके लिए। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए, जो कि फेस्टुला होने के लक्षण और उसके इलाज से रिलेटेड रहा। और ऐसी ही अन्य नई जानकारी आप सभी चाहते हैं सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स अवश्य कीजिए ताकि अन्य लोगों तक पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।